यानी फर्स्ट लॉ किरचॉफ का क्या है? फर्स्ट लॉ कि किसी जंक्शन पर, अगर ये जंक्शन है जहां पर करंट मिल रही है और I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 और I4 आ रही है, तो जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का सम, टोटल करंट जो जंक्शन की तरफ आ रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इसके इक्वल होगा अच्छा जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है। अब जंक्शन से दूर कौन कौन सी जा रही है? एक तो I5 जा रही है और एक I6 जा रही है जंक्शन से बाहर। तो जंक्शन की तरफ आने वाली टोटल करंट जंक्शन से दूर जाने वाली टोटल करंट के बराबर होगी। इस I5 और I6 को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव आने वाली करंट, अगर पॉजिटिव ले रहे हो अगर तुम, तो जाने वाली नेगेटिव, दिस इज एल्जेब्रिक सम हो गया है। एल्जेब्रिक सम सभी करंट का जीरो होगा, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन ऑफ सर्किट और कैसा सर्किट हो सकता है? ओपन भी हो सकता है या क्लोज भी हो सकता है। फर्स्ट लॉ ओपन और क्लोज दोनों सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। सर्किट इज जीरो। फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट बोथ। फर्स्ट लॉ जो है वो क्लोज और ओपन दोनों सर्किट के लिए चलता है। और फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है, इसका मतलब क्या है? करंट इज कंजर्व्ड। तो फर्स्ट लॉ क्या है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ करंट है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज है। अब आता है सेकंड लॉ। स्विच ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? ये केवल क्लोज सर्किट के लिए है, केवल क्लोज सर्किट के लिए है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सर्किट, केवल क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। ये जो आपका सेकंड लॉ है ये केवल क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, ओपन सर्किट में सेकंड लॉ नहीं लगता। क्या है? कि किसी भी सर्किट में I into R का समेशन, किसी भी सर्किट में I और R प्रोडक्ट करो और उसका समेशन, उस सर्किट में टोटल ईएमएफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ के बराबर होगा। किसी भी क्लोज सर्किट में एल्जेब्रिक सम ऑफ किस किस का सम? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस या वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप ही तो है I into R। एल्जेब्रिक सम वोल्टेज के ड्रॉप का
इसके इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, भैया आई इंटू आर जो है दिस इज वोल्टेज ड्रॉप, वी इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम उस सर्किट में एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ के बराबर होगा, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है और ये सेकंड लॉ केवल क्लोज सर्किट में वैलिड है, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल ये आपके पास E1 है, ये सेल E2 है, पॉजिटिव नेगेटिव R1 R2 R। अब हमें इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है, तो सबसे पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या है कि जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट बाहर लेके जाएंगे। अगर करंट को कोई रास्ता आगे मिल रहा है तब तो आप दोनों सेल से ले गए, अगर सर रास्ता नहीं होता तो एक से लेके जाते दूसरे में एंटर करा देते। ऐसा नहीं है कि अगर दो सौ सेल लगे हैं तो जरूरी है हो कि दोनों सेल से करंट आए, ऐसा भी हो सकता है कि एक से आए कि दूसरे में एंटर कर जाए, एक सेल चार्ज हो एक डिस्चार्ज हो। लेकिन अगर हमें रास्ता मिला हुआ है तो हमने कहा कि दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल करंट देगा, और जब करंट देगा तो ये करंट आ रही है I1, ये करंट आ रही है I2, दोनों मिलेंगी यहां पर, क्योंकि कोई भी सेल जितनी करंट देता है उतनी करंट वो वापस जरूर लेगा। कोई भी सेल, अगर इस सेल ने कितनी करंट दी है I1, तो 100% इसका नेगेटिव टर्मिनल I1 करंट वापस लेगा। इस सेल ने करंट दी है I2, तो यहां से I2 वापस आनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो आपका सर्किट डायग्राम गलत है। अब देखो हमने क्या कहा, I1 आई यहां से, यहां से I2 आई, दोनों करंट यहां पर मिलेंगी और I1 प्लस I2 इसमें चली गई, I1 प्लस I2 इसमें गई, यहां से यहां पे आके क्या हुआ, इसमें तो I1 वापस चली गई, ये दो पार्ट में टूट गई, और इस वाले ने कितनी वापस भेज दी I2। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सही, जितनी सेल ने करंट दी थी उतनी वापस ले ली, डिस्ट्रीब्यूशन सही आ गया। अब हम किरचॉफ लॉ लगाएं, दो दो क्लोज सर्किट है ए, देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक I1 एक I2, दो करंट जो है हमने दो लिए I1 और I2, दो वेरिएबल है, इसका मतलब दो इक्वेशन बनाएंगे, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन कहां से बनेंगी, दो सर्किट से, दो सर्किट में दो बार लगेगा किरचॉफ लॉ इसका मतलब। तो एक बार तो आपने किरचॉफ लॉ लगा दिया, ए बी सी डी में ए बी सी डी यूज किरचॉफ लॉ इन ए बी सी डी, देखो क्लोज है ए बी सी डी, ए क्लोज सर्किट में क्या है किरचॉफ लॉ,
आई और आर का समेशन उसी सर्किट में ईएमएफ के समेशन के बराबर है। तो इस एबीसीडी सर्किट में आई इंटू आर कहां कहां होगा? एक तो यहां होगा आई वन इंटू आर वन। भाई इस सर्किट में रेजिस्टेंस कहां कहां लगे हुए हैं? एक तो ये लगा है आर वन, कितनी करंट जा रही है इसमें? आई वन, तो आई वन इंटू आर वन हो गया। ये दूसरा ये लगा हुआ है आर, इसमें करंट जा रही है आई वन प्लस आई टू इंटू आर, तो यहां पे हो गया आई वन आर वन। और इस वाले दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा है इस सर्किट में आई वन प्लस आई टू, करंट करंट कितनी है? आई वन प्लस आई टू इंटू आर। अब ये करंट देखो ऐसे जा रही है, ये आई वन और आई वन प्लस आई टू ऐसे जा रही है ऐसे। आप क्योंकि जब हम किरचॉफ लॉ इस वाले सर्किट में लगा रहे हैं, जब आप किरचॉफ लॉ इसमें लगा रहे हो तो नीचे वाले सर्किट में तो भूल जाओ, ये मानो नीचे वाला सर्किट था ही नहीं। अगर नीचे वाला सर्किट नहीं होता तो ये करंट किधर को घूम के जाती? ऊपर को। जिस सर्किट में लगाते हैं केवल उसी को मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि दूसरा सर्किट है ही नहीं। तो अगर आई वन प्लस आई टू इसमें लगा रहे हैं और नीचे वाला सर्किट मान लिया कुछ देर के लिए है ही नहीं, तो ये करंट तो ऐसे जाके वैसे ऊपर को घूमेगी। तो देखना जरा, आई वन करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज और आई वन प्लस आई टू ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों के साइन एक ही होंगे, सेम साइन होंगे। आई वन भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है और आई वन प्लस आई टू भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, दोनों के साइन एक ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपको नेगेटिव है ना, एक होंगे, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो। आई आर का समीशन हो गया, समेशन ईएमएफ। समेशन ईएमएफ का मतलब सेल कितने लगे हैं ये देखो। समेशन ईएमएफ का मतलब ईएमएफ कौन देता है? सेल। तो इस सर्किट में, केवल इस सर्किट में देखना, एबीसीडी में, एबीसीडी क्लोज सर्किट में केवल एक सेल लगा है वन, ईएमएफ आ गया ईवन। अब ये ईएमएफ ईवन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? तो ये देखो आप, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, करंट दे रहा है। इफ सेल इज डिस्चार्ज देन साइन ऑफ ईएमएफ is taken same as sign of current. अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ईएमएफ का साइन वो लेंगे जो करंट का। डिस्चार्ज का मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रही हो, सेल करंट दे रहा हो, डिस्चार्ज। अब I1 का साइन क्या लिया है ये देखो आप, पॉजिटिव लिया है I1 का साइन, इसका मतलब EMF का साइन भी पॉजिटिव लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। दूसरी बात, इफ सेल इज चार्ज, चार्ज का मतलब करंट एंटर हो रही हो पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रही हो, देन साइन ऑफ ईएमएफ इज टेकन अपोजिट टू द साइन ऑफ
इट्स करेंट, ये दो लॉ है जिससे पूरा किरचॉफ लॉ चलता है। अब देखो दूसरा मैच कौन सा है, सी डी ई एफ सी, यानी कि यूज किरचॉफ लॉ इन सी डी ई एफ सी। तो अब आप देखेंगे कि इस सर्किट में, अब हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले सर्किट को बिल्कुल समझ लो है ही नहीं, माइंड में से इसको जो है इरेज कर दो, ये मानो बस यही सर्किट। अब इसमें करंट, एक तो इस सर्किट में कहां कहां रजिस्टर लगे हैं, आर लगा एक तो, आर टू लगा, तो एक तो यहां पर ड्रॉप होगा करंट आई वन प्लस आई टू इंटू आर, आई वन प्लस आई टू करेंट इंटू रजिस्टर, एक यहां पे करेंट आई टू इंटू आर टू। अब साइन देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो भाई ये करेंट, अब देखो अब आप कहोगे सर ये करेंट ऊपर जा रही है, सही है ना, ऊपर तो अब सर्किट नहीं है, अब तो तुम्हें नया बनाना पड़ेगा। अगर ऊपर का सर्किट नहीं होता तो ये करंट ऐसे घूम के जाते और ये तो ऐसे जा ही रही है, बात नीचे की सर्किट की चल रही है, ऊपर के सर्किट को बिल्कुल डिलीट कर दो माइंड में। अगर नीचे ही नीचे का सर्किट होता तो ये करंट ऐसे घूमते, देखो ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में है, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में है, दोनों का साइन सेम आएगा। इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, इस सर्किट में टोटल सेल कितने लगे हैं, ई टू, ई टू चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज, ई टू करेंट पॉजिटिव टर्मिनल से करेंट बाहर निकल रही है तो डिस्चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज में क्या लिखा मैंने, ईएमएफ का साइन वो ही लोगे जो करंट का लिया, कितनी करंट दी थी इसमें आई टू, डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब जो साइन तुमने आई टू का लिया है वही ई टू का लोगे, आई टू का साइन पॉजिटिव है तो ई टू का भी पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर दोनों को सॉल्व कर लेना आई वन आई टू आ जाए, सॉल्व वन एंड टू टू गेट आई वन आई टू। यानी किरचॉफ लॉ में जितनी करंट आती है उतनी बार किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, उतनी इक्वेशन लाने के लिए, ठीक है भाई। अब देखिए जैसे हमने कहा फाइव वोल्ट वन ओम, सर्किट डायग्राम प्लस माइनस ये टू वोल्ट, टू ओम, टू ओम, टू ओम, वन ओम, ए
आपका ये हमने सर्किट डायग्राम दिया है, एक तो हमें निकालना है करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट निकालनी है। कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एफ और सी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो सबसे पहले तो करंट हर ब्रांच में, तुम्हारा मोबाइल ऑन हो रखा है, ये बंद करके जिम में रखो, भाई क्या बताया था हमने कि पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट लेके जाएंगे। देखो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इससे आई वन चली गई करंट, और यहां से भी हम दूसरी करंट ले जा सकते हैं आई टू। अब बी पे क्या होगा, इस पहली बात तो ये समझ लो, इस सेल ने आई वन करेंट दी है तो ये 100% आई वन करेंट वापस लेगा। सेल ने आई टू करेंट दी है तो इसका मतलब आपको करेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि आई टू वापस ले ले, ठीक है ना। अब देखो ये आई वन गई, ये आई टू गई, यहां पे आके दोनों कंबाइंड हो गए, आई वन प्लस आई टू ऐसे आती रहेंगी सीधे सीधे, और यहां आने के बाद क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी, इसमें चली गई कितनी करेंट आई टू आई आई वन, और इस बार डिस्ट्रीब्यूशन हो गया करेंट का। अब यूज किरचॉफ लॉ इन ए बी एफ ए, देखो एक क्लोज सर्किट ये है ABEFA, ये क्लोज सर्किट है, इसमें किरचॉफ लॉ लगाए, क्या है किरचॉफ लॉ, समेशन आई आर, समेशन आई और आर की प्रोडक्ट करो और उसका समेशन, तो ए बी ई एफ ए, इसमें कितने आर हैं, एक दो तीन चार, चार जगह आएगा, यहां पे हो गया आई वन इंटू रेजिस्टेंस की जगह टू ओम, आई वन इंटू टू इसमें करंट जा रही है आई टू, दो रेजिस्टेंस कितना है वन ओम, आई इंटू आर, आई की जगह तो हो गया आई टू, रेजिस्टेंस की जगह वन, इसमें करंट जा रही है आई वन इंटू रेजिस्टेंस, और इसमें करंट जा रही है आई वन रेजिस्टेंस वन, जहां जहां चार रेजिस्टेंस थे चारों में आई वन इंटू आर, आई टू इंटू आर, आई वन इंटू आर, आई वन इंटू, अब देखो ये करंट, उस तो सर्किट को भूल जाओ, ये करंट ऐसे जाके घूमती, आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये करंट तो ऐसे जा रही थी ना, वो तो सर्किट है ही नहीं, जब हम पहले सर्किट में लगा रहे हैं तो दूसरे सर्किट को तो भूल जाओ बिल्कुल, केवल अगर ये सर्किट होता ऐसे घूमती, ये करंट ऐसे देखो ऐसे जाती जा रही है, ज्वाइंट पे बंदा लगा लिया करो, और ये करंट ऐसे जाती,
ये नहीं कहेंगे आप कि सर करंट ऐसे कहां जा रही है, तो ऐसे जाके उधर जा रही है ना, उधर का सर्किट तो था ही नहीं। अगर वो सर्किट होता ही नहीं तो करंट कहां लेके जाते हैं, इधर से ये जो करंट आई टू जा रही थी इसको तुम इधर को घुमाते हैं। तो कौन कौन सी क्लॉकवाइज है, आई वन, देखो ये तीनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एक सी है, यानी एक तो ये वाला आई वन इंटू टू पॉजिटिव आ गया, एक आई वन इंटू टू ये वाला पॉजिटिव आ गया, एक आई वन इंटू वन ये पॉजिटिव आ गया, और ये वाला आई टू इंटू वन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव आ गया, इक्वल टू टोटल ईएमएफ। अब इस सेल के, इस सर्किट के अंदर दो, ये समझ में आया पॉजिटिव कैसे आया, ये तीनों क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव। टोटल ईएमएफ एक तो 5 वोल्ट का है और एक 2 वोल्ट का है सर्किट में, 5 और 2। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या था। 5 वोल्ट वाले ने करंट दी है, 5 वोल्ट वाले ने करंट दी है, यानी कि क्या हुआ, ये डिस्चार्ज हुआ है। और मैंने अभी लिखा था डिस्चार्ज होने पे जो साइन तुमने करंट का लिया है वही साइन तुम 5 वोल्ट का लोगे। जो साइन तुमने आई वन का लिया है, आई वन पॉजिटिव, तो इसका 5 वोल्ट का भी पॉजिटिव। 2 वोल्ट वाले ने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट दी है, डिस्चार्ज हुआ है, और डिस्चार्ज होने में जो साइन तुम करंट का लेते हो आई टू का, वो ही साइन तुम 2 वोल्ट का लोगे। आई टू का साइन कैसा दिया था, नेगेटिव दिया था, इसका मतलब ये भी नेगेटिव। तो ये आ गया 2i1, 2i4 और 1i5। 5i1 माइनस आई टू इज इक्वल टू 3। ये आ गई पहली इक्वेशन, बताइए आ गया समझ में, इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन। अब आप किरचॉफ लॉ लगाओगे बी सी डी ई बी में, यूज किरचॉफ लॉ इन बी सी डी ई बी, ठीक है, लगाओ बी सी डी ई बी में, लगाओ भाई बी सी डी ई बी में कहां का रेजिस्टेंस है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और ये आएगा नहीं आएगा, ये भी आएगा इस सर्किट में, 4 रेजिस्टेंस है, 4 जगह यहां पे आ जाएगा आई करंट इंटू रेजिस्टेंस आई वन प्लस आई टू इंटू रेजिस्टेंस कितने का है, यहाँ पे करंट है आई वन प्लस आई टू इंटू वन, यहाँ पे करंट है आई वन प्लस आई टू इंटू टू, यहाँ पे करंट है आई टू इंटू रेजिस्टेंस है 1, चारों जगह आई वन प्लस आई टू इंटू रेजिस्टेंस 2 ओम का है, आई वन प्लस आई टू इंटू रेजिस्टेंस 1 ओम का है, आई वन प्लस आई टू इंटू रेजिस्टेंस 2 ओम का है, आई टू इंटू रेजिस्टेंस 1 ओम का, ये तो तीनों करंट देख रहे हो, सभी सेम आ रही, इस सर्किट में लगा रहे हैं, इधर वाला सर्किट समझ लो है ही नहीं, ये करंट ऐसे घूमेगी, ये ऐसे, सभी एक ही डायरेक्शन में है, सबके साइन एक से हो गए, इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ
इस सर्किट में टोटल सेल कितने हैं? दो वोल्ट का केवल। अब ये देखो ये दो वोल्ट वाला चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर गई है, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज में क्या है, जो साइन करंट का लेंगे वो जो साइन आई टू का लिया है पॉजिटिव वो साइन दो तीन और दो पांच यानी कि फाइव आई वन प्लस सिक्स आई टू बन गई दूसरी इक्वेशन। दो वेरिएबल है आई वन आई टू, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो। क्या करें भाई, फाइव आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू थ्री, सॉल्व करना तो सबको आता ही है, माइनस ये कितना हो गया भाई, सेवन आई टू इज इक्वल टू माइनस वन। देखो माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस आ रहा है उसको लिखेंगे, इसका मतलब करंट जो डायरेक्शन हमने करंट की दिखाई है वास्तव में उसके अपोजिट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने दिखाई है, हमने तो एज्यूम करा है ना बस, लेकिन एक्चुअल में जो होगा वो इसके अपोजिट होगी, यानी आई टू बाहर ना जाके एंटर कर रही हूं, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। लेकिन अब आपको आई टू माइनस का ही दिखाना है कितने एंपियर, और आई वन फाइव आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू थ्री, फाइव आई वन माइनस माइनस वन बाई सेवन, फाइव आई वन इज इक्वल टू थ्री माइनस वन बाई सेवन ट्वेंटी बाई सेवन पांच सौ बीस फोर बाई सेवन है। इस तरीके से हम हर एक ब्रांच में करंट निकाल लेंगे, हर ब्रांच में करंट आ गई। अब पोटेंशियल ड्रॉप ई, अब देखो इसमें हमने एफ और सी के बीच में लिखा है, तो पहले तो हम ये देखें पोटेंशियल ड्रॉप Across FE, F1 E के बीच में करंट into रेजिस्टेंस, F1 E के बीच में करंट हो गई I1, रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, यानी I1 की वैल्यू क्या है 4 बाई 7 इंटू 2 यानी कि 8 बाई 7 ओम। और मान लिया हमने ई और डी के बीच में निकाली, वोल्टेज ई और डी के बीच में, करंट कितनी है आई वन प्लस आई टू इंटू रेजिस्टेंस ई और डी के बीच में टू। अब आई वन फोर बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन इंटू टू सिक्स बाई सेवन आ गया, ठीक है, इतने वोल्ट देखो। और इसके ये सी और डी के बीच में करंट हो गई आई वन प्लस आई टू, रेजिस्टेंस हो गया वन, यानी कि ये फोर बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन इंटू वन थ्री बाई सेवन। अब आपको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप एफ और सी के बीच में, तो कोई सा रास्ता पकड़ लो, चाहे ये वाला ले लो, ये देख रहे हैं, ये देखो जहां से करंट एंटर करती है वो टर्मिनल पॉजिटिव बनता है, जहां से करंट बाहर निकलती है रेजिस्टेंस का वो टर्मिनल नेगेटिव बनता है। ये फिर यहां पे देखो ये पॉजिटिव एंटर कर रही है, यहां नेगेटिव बाहर निकल रही है, यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव। अब ये देखो एफ और सी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, ये तीन डिवाइड इस रास्ते से निकाल रहे हैं हम, तो सी से डी तक देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा है,
नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, यानी कि तीन सीरीज में सेल लगे हुए, यानी वोल्टेज ड्रॉप सी से एफ के बीच में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप सी से डी तक, डी से ई तक, डी से एफ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये प्लस हो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है माइनस हो रहा। तरीका क्या बताया मैंने, जिधर से करंट एंटर कर रही है वो पॉजिटिव है, जिधर से रेजिस्टेंस के जिस कोने से करंट बाहर निकल रही है वो नेगेटिव है। यहां करंट एंटर कर रही है तो ये वाला एंड पॉजिटिव, इधर वाला रेजिस्टेंस का एंड नेगेटिव। यहां पे एंटर कर रही है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये कितने वोल्ट का, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आया सी और डी के बीच में, 3/7। तो ये 3/7 और ये नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव सीरीज में, तो बस ऐड कर दो 3/7, डी कितना है प्लस ई एफ कितना है, हो गया 8, 3, 11, 17, 17, 17, 17। इतने का वोल्टेज ड्रॉप सी और एफ के बीच में आया, ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया सी और एफ के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने ये वोल्टेज ड्रॉप निकालना जरूर होना चाहिए।